तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गिरेना के सबसे ज़्यादा पैसा उड़ाए रॉयल के ऊपर, जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रो हो या नूब हो, बस आपके पास होने चाहिए अनलिमिटेड डायमंड। तो जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग लेजेंडरी रॉयल के ऊपर। तो जिन जिन चीज़ों के चांसेस हैं हमारे लेजेंडरी रॉयल में आने के, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुल रिव्यू के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फुल रिव्यू देखने के लिए और फुल डिटेल जानने के लिए वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। यहाँ पे जो हमारा लेजेंडरी रॉयल आता है, तो वो होता है गाइस हमारे लेजेंडरी बंडल के ऊपर, या फिर गाइस हमारा होता है लेजेंडरी वेपन्स के ऊपर। तो ये तो आपको मालूम ही होगा। नहीं। इसी के साथ साथ न्यू फिश की स्किन भी हमें देखने को मिलती है लेजेंडरी रॉयल में, और भी कई रिवॉर्ड मिलते हैं। तो वो क्या होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ वेपन्स की स्किन दिखा दूँ। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे फर्स्ट वेपन की स्किन। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे न्यू मिनी यूजीआई की स्किन। तो गाइज, ये भी हमें लेजेंडरी रॉयल में देखने को मिल सकती है हमारे थर्ड स्टोन रिवॉर्ड पे। तो वहाँ पे जो है गाइज हमारा इवोल्यूशन स्टोन भी होता है। तो शायद से गाइज इवोल्यूशन स्टोन या फिर कोई ना कोई जो है गन स्किन की रिवॉर्ड हमें थर्ड टोकन पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड गन स्किन के ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे न्यू वेपन की स्किन C18 की, जिसे हम किंग फीचर भी बोलते हैं। तो गाइज, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं अभी तक रिवील नहीं हुए, जब तक रिवील होते गाइज मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, शायद से गाइज ये हमें हमारे थर्ड रिवॉर्ड पे भी देखने को मिल सकता है, या फिर गाइज किसी क्रिएट में भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेपन के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, तो जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो हमारे MAG 7 की स्किन। तो गाइज, यहाँ पे जो है गाइज इनके एट्रीब्यूट्स तो अभी तक रिवील नहीं है, तीनों के एट्रीब्यूट्स मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो ये जो है हमारे थर्ड स्टोन पे देखने को मिल सकता है तीनों स्किन, या फिर उसके बदले जो है गाइज हमें अपना इवोल्यूशन स्टोन जो है देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, इसके बाद पढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टोन के रिवॉर्ड के ऊपर। तो वो होती है गाइज आपकी फिश की स्किन। तो न्यू फिश की स्किन कैसे होने वाले, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, तो जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो हमारी न्यू लेजेंडरी फिश की स्किन। तो गाइज, ये ब्लू होने वाली आप देख ही सकते हो, और इसमें इलेक्ट्रिक एनिमेशन होने वाला है। तो गाइज, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये फिश की स्किन कैसे लगी। तो गाइज, ये जो फिश की स्किन होने वाली है हमारी फोर स्टोन का रिवॉर्ड हो सकता है। तो गाइज, इसके बाद बढ़ते हमारे मेन फिफ्थ स्टोन के रिवॉर्ड के ऊपर। तो गाइज, इससे पहले बता दूँ, हमारे जो फर्स्ट और सेकेंड स्टोन होता है, तो उस पर कुछ भी स्केटबोर्ड या फिर पैराशूट का रिवॉर्ड दे देंगे, उतनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो गाइज, हमारे जो मेन रिवॉर्ड स्टार्ट होते हैं वो थर्ड स्टोन से होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली थर्ड स्टोन से दिखाए। तो गाइज, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ स्टोन के रिवॉर्ड के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो हमारे दो जो है मेन लेजेंडरी रिवॉर्ड्स। तो गाइज, ये दोनों नहीं आने वाले, दोनों में से एक आने वाला है हमारे मेन रिवॉर्ड, मतलब जो 5 स्टोन कलेक्ट करने पे मिलने वाला है, तो दोनों में से एक रिवॉर्ड हो सकता है। तो गाइज, दोनों क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर की स्किन और M1887 की स्किन जो है एक एक बार हमारे लेजेंडरी रॉयल में आ चुके हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पे हमारी MP40 की न्यू स्किन जो है उसके चांसेस भी बनते हैं आने के। अगर आपको वो स्किन मालूम नहीं कैसे दिखती है, तो गाइज मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको वो मिल जाएगी, और इन दोनों का जो है फुल रिव्यू भी वो जो प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वेक्टर या फिर M1887 में से कौन सी गन जो है मेन रिवॉर्ड करके चाहिए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज, ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। We'll be right back.